अभी गाइस कपड़े शपड़े मैंने थोड़े से निकाल लिए थे, ठीक है, चीजें समेट दी थी, सारे शॉपर वगैरह रख दिए थे, अब मैं आ गई थी किचन जी। आ गए हो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या, हाँ जी गाइस, हाँ जी गर्ल्स, राइस मैंने डाल दिया, ठीक है जी गाइस। सारी माँ की अच्छी बात बताने लगा है, अपने मुल्क और उसमें रहने वाले लोगों से मोहब्बत करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड टू ब्रांड न्यू वीडियो। कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे और फिट होंगे। तो वेलकम है जी आपका सहर्स क्रेजी वर्ल्ड में, और जी मैं हूँ आपकी हो सहर्स इश्फाक। तो जी जल्दी से कर दें ज़रा लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर हमारे चैनल को, जल्दी से फटाफट सब्सक्राइब कर दें, फिर बन जाए हमारी फैमिली का हिस्सा, क्योंकि जी सब्सक्रिप्शन के बगैर तो मज़ा नहीं आता ना, वीडियो देखते हैं और आगे चले जाते हैं, ये बहुत गलत बात है भाई, ऐसा नहीं चलेगा। तो प्लीज़ जितने लोग हमारी वीडियोस देखते हैं उसको सब्सक्राइब भी कर दिया करें और बेल आइकन को कर लें प्रेस, ताकि जैसे कोई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है जी। आज भी एक बहुत ही खूबसूरत दिन है और रात सारी बारिश होती रही है, वेदर हो गया है गाइस चेंज, मौसम बहुत प्यारा हो चुका है। तो जी अब बच्चे तो चले गए थे स्कूल, तो अब मैं करने लगी थी ज़रा घर के काम शाम, और व्लॉग मैंने कहा स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, ताकि आपको सारा दिन अपने साथ रखें, सारा दिन हम क्या कर रहे हैं सब कुछ आपको दिखाएं। तो जी अभी टाइम आप देख सकते हैं, इट्स 10:30 और यहाँ पर मैं देख रही थी ड्रामा सीरियल मैं, ठीक है जी। ये भी बहुत अच्छा जा रहा है, आयज़ा खान की एक्टिंग बहुत अच्छी है, वहाज की एक्टिंग बहुत अच्छी है। स्टार्ट में थोड़ा सा लोगों ने इसको क्रिटिसाइज़ किया था, लेकिन अच्छा है, नाइस एंटरटेनमेंट, गुड है। और बाकी जी यहाँ पर मैंने व्लॉग अपलोड होने लगाया हुआ है, ठीक है जी। और बाकी आज अल्हम्दुलिल्लाह घर सारा नीट है, घर को आज हम नहीं देखेंगे क्योंकि हो रहा है वेदर चेंज, तो आज हम भी कुछ करेंगे चेंज। तो वो चेंज क्या है, वो चेंज ये है कि मैं ना अब जो कपड़े अपने निकालूंगी जो लास्ट ईयर रखे थे मैंने इस सीज़न के, यानी कि रेशमी कपड़े जो होते हैं ना थोड़े से ज़्यादा, तो अब मैंने नई स्टिच करवाए हैं, क्योंकि मैंने कहा पहले वो पहन लूँ, दो चार दफ़ा पहनने हैं, फिर आ जाना है विंटर, तो फिर मैंने सोचा कि खद्दर वगैरह के लेके ही सिलवाएंगे, तो इस वजह से ना। और एक दो जो स्टिच करवाए हैं वो मैंने रख लिए हैं कि कहीं जाए आएंगे तो तब पहन लेंगे, तो घर में फिर ख़राब हो जाते हैं, और वैसे भी मैं कम्फर्टेबल नहीं रहती क्योंकि इतने ज़्यादा काम करने होते हैं, बच्चों के साथ घूमना फिरना ये करो वो करो, तो फिर आप थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील करते हैं। लेकिन अब जो पड़े हुए हैं ड्रेसेस और कुछ ऐसे हैं जो पहनने हैं भाई, क्योंकि वो पहनेंगे तो फिर उनको हम वाइंड अप कर देंगे। तो ये जी बैग्स मैंने निकाल के रख लिए थे जिनमें कपड़े हैं हमारे, ये देखें। तो अब ये बैग्स जो हैं इनको ओपन करूँगी मैं, और इनमें से निकालते हैं कपड़े। और जी आज खाने में क्या पकेगा, खाने में आज बनेगा जी पुलाव। जी गाइस आज मैंने अपना हेयर स्टाइल भी चेंज किया थोड़ा सा, जो यूनिवर्सिटी जाती थी ना तब बनाती थी, आज मैंने वो वाला हेयर स्टाइल बना लिया, क्योंकि ना दिल कर रहा था थोड़ा सा चेंज आए लाइफ में, वेदर चेंज हुआ है तो दिल का मौसम भी चेंज हुआ है, और दिल कर रहा था कि चेंजेस लेकर आए। और जी लाइनर भी आप देख सकते हैं कि मैंने ना ये देखें थोड़ा सा विंग लाइनर लगाया दोनों साइड्स पर, और कोशिश की कि एक जैसा ही रह जाए, सो होपफुली एक जैसा ही है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है कि आपका लाइनर दोनों साइड का कभी भी सेम नहीं होता। तो खैर बस ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट बातें, और ये बैक होमिंग तो मैं जितनी देर मैं कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में रही हूँ ना, मैं मेरा यही हेयर स्टाइल रहा है, क्योंकि गोल राउंड फेस था तो फिर मैं यहाँ से बाल ऊंचे कर लेती थी ताकि थोड़ी सी स्नैच्ड थोड़ी सी इस तरह से लुक आए और मुंह मेरा पतला लगे, क्योंकि अगर मैं सेंटर मांग या वैसे सीधे बाल बना लेती हूँ तो फिर मेरा मुंह जो है वो और ज़्यादा चौड़ा लगता है, तो इस वजह से। लेकिन अब इसका ट्रेंड चला गया, अब नहीं बन रहा था तो फिर इस वजह से मैंने भी स्किप कर दिया था, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि अब दोबारा से ना मैं इस हेयर स्टाइल की तरफ वापस आ जाऊँ। तो चले खैर काम करते हैं, काम बच्चों ने आ जाना है, बहुत काम करने वाले हैं, कुकिंग करनी है, तो गेट सेट गो। फाइनली मैंने कपड़े ढूंढ लिए हैं, ठीक है, इनमें से देखती हूँ जो मेरे यूज़ के होंगे वो साइड पे कर दूंगी, जो देने वाले हैं वो एक साइड पे कर दूंगी, जो ज़्यादा सर्दी के हैं वो एक साइड पे। वो एक साइड पे कर दूंगी, और फिर मुझे आइडिया भी हो जाएगा कि मुझे कितने कपड़ों की ज़रूरत है, मैंने कितने ड्रेस बनवाने हैं और मैंने कौन से किसको देने हैं। उस दिन बच्चों का सारा काम हो गया था, आज मैं अपना कर लूँगी, फिर मैं कुकिंग शुकिंग कर लूँगी। तो चले करते हैं, मौसम चेंज हो गया यार, बारिश हुई है रात, इतनी धड़ाधड़ बारिश सारी रात होती रही है, तो मैंने कहा कि अब आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा हमें विंटर की तरफ जाना चाहिए, कुछ चीज़ें लेनी चाहिए,
और जो सॉर्ट आउट करने वाली चीज़ें हैं वो सॉर्ट आउट कर लेते हैं। सो ये सब अभी ओपन करेंगे। ये देखें, ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने ईडर रॉप से ली थी। ये ना 3 साल पुरानी शर्ट है, लेकिन ये मुझे इतनी पसंद है और ये इतनी मैंने पहनी और धोई है, इसका नहीं कलर ख़राब हुआ। और ये मैं इस साल भी पहनूंगी। इसके साथ के टाइट्स ख़राब हो गए थे, वो हम न्यू ले लेंगे। सो ये है, तो कपड़े अगर ख़राब ना हो ना तो मैं उन्हें फेंकती नहीं हूँ, ज़ाया नहीं करती, क्योंकि पैसे लगे होते हैं, इन्वेस्ट किया होता है, और दिल भी नहीं करता कि क्या ले ही जाएँ और फेंकी जाएँ, ले ही जाएँ और फेंकी जाएँ, तो इस वजह से। और ये बिल्कुल अच्छी चीज़ भी नहीं होती। और भी कितने मेरे कपड़े होंगे ऐसे, कोई ये मैं आपको दिखाती हूँ, इतना प्यारा मैंने अलकरम से लिया था, ये देखें। तो ये भी प्रेस करके रेडी कर लेती हूँ मैं। हाँ, ये मैं ज़रूर करती हूँ कि मैं वो जो कपड़े बाहर जाके पहनने वाले नहीं रहते, या 2-3 दफ़ा पहन लिए होते हैं, फिर मैं वो घर में यूज़ करने स्टार्ट कर देती हूँ। लेकिन ये नहीं कि इस सीज़न पहने और फेंक देने, या नहीं, उनको 1 सीज़न 2 सीज़न कभी कभी 3 सीज़न भी मैं यूटिलाइज़ करती हूँ, क्योंकि जस्ट 2 मंथ्स होते हैं इन कपड़ों का जो सीज़न होता है, जिसमें हमने विस्कोस, रेशमी कपड़ा, कॉटन और इस तरह की चीज़ें पहनी होती है, लीलन और इस तरह का फैब्रिक हमने यूज़ करना होता है। बाकी तो सारा साल हम अब लॉन ही पहन रहे हैं, और अब तो ये हो गया कि अब जो मौसम है उसमें हम एम्ब्रॉयडरी वाले पहन ले, चिकन करी वाले ड्रेसेस, और जिनके साथ नीचे लाइनिंग होती है। और बाकी जो है सारी गर्मी जो है वो तो पहन ही नहीं गए ना, कढ़ाइयों वाले सूट तो मैंने कोई पहनना ही नहीं, लेके रख छोड़े हैं, हौसला ही नहीं पड़ता था, गर्मी लगती थी। और एसी जितने मर्जी चला लें, किचन में तो जाना है ना, अपने घर तो देखना है ना, तो इस वजह से चीज़ें जो हैं वो चॉइसेस चेंज हो जाती हैं वक्त के साथ साथ। सो ये इस तरह से, और ये भी मैंने एक शादी पे सिलवाया था सूट, रीगा से लिया था। तो इस तरह से बस काफ़ी सारी चीज़ें हैं मेरे पास, लेकिन मैं फेंकती नहीं हूँ, ज़ाया नहीं करती, पहन लेती हूँ, क्योंकि ये इतने महंगे हमने बनवाए होते हैं, उस टाइम हम इतना शौक चढ़ा होता है, और बाद में फिर हम कहते हैं हाय ये आउट ऑफ ट्रेंड लग रहा है, या मैं अजीब तो नहीं लगूंगी, या मैं वो बबली बबली या वो तो नहीं लगूंगी लिशकारा टाइप। लेकिन क्या करें, फिर अब पहनने हैं ना घर में, और मैं तो बहुत खुशी से पहनती हूँ, तो सबको पहनने चाहिए। मैं आप लोगों को भी मशवरा देती हूँ, मैं अपनी सिस्टर्स को भी मशवरा देती हूँ कि यार बनवाए हैं, बजाय इसके आप फेंको या दो किसी को, तो खुद पहनो, खुद यूटिलाइज़ करो, जो पैसे हैं उनको किसी और चीज़ में इन्वेस्ट कर लो, अच्छा मोबाइल ले लो, अच्छा मेकअप ले लो, और 100 तरह की चीज़ें हैं, वो शौक़ पूरे करो अपने सारे। जस्ट कपड़े ही तो शौक़ नहीं है ना, लेकिन कपड़े भी अच्छे बनाओ, सब चीज़ें लेके साथ साथ चलो। तो चलें, अब मैं ना बहुत ज्ञान हो गया, अब मैं ये काम कर लूँ जल्दी से, ठीक है, फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बाय बाय। एंड यू गाइस, कपड़े शपड़े मैंने थोड़े से निकाल लिए थे, ठीक है, चीज़ें समेट ली थी, सारे शॉपर वगैरह रख दिए थे, अब मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि टाइम हो जाना है कुकिंग का, तो बच्चों ने आ जाना स्कूल से। तो ये देखें जी, ये मैंने रख दिया है, आज हम बनाने लगे हैं बीफ पुलाव। मैंने कहा थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ, इसमें प्याज और 5-6 लहसुन के जब्बे, और ये 2 दालचीनी, 2-3 काली मिर्च और 2-3 लौंग डाला है, और नमक 1.5 चम्मच डाला है, ठीक है। अब इसको मैं लगा दूँगी वेट 15 से 20 मिनट का, ठीक है, और फिर उसके बाद मैं साथ में राइस का तड़का बना लेती हूँ जल्दी से, ताकि जब तक ये बॉयल हो उतनी देर में राइस का प्याज जो है वो ब्राउन हो जाएगा, तो हम फटाफट से पुलाव रेडी कर लेंगे, ठीक है ना। तो मैंने कहा आपको थोड़ा सा स्टार्ट करते हुए भी दिखा दूँ। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात मैंने आपसे करनी थी कि ना गाइस, किसी से हसद नहीं करते। आज की अच्छी बात यही है कि आपने किसी से हसद नहीं करनी, ठीक है। अगर आप किसी को देख रहे हैं या कोई ब्लॉग बना रहा है या कुछ भी, तो वो एक एफर्ट पुट कर रहा है, तो आप लोग उसको बैड कमेंट्स अगर करते हैं तो ये एक तो बीमार ज़हनियत की निशानी है, तो उससे साफ ज़ाहिर हो जाता है कि ये जो है इसका, ये मेंटली हेल्दी नहीं है, ठीक है, पर्सन, अगर वो किसी को बैड कमेंट कर रहा है। और दूसरी बात ये कि वो ज़ाहिर है अनएजुकेटेड है, तो वो बैड, उसका हेल्दी माइंड नहीं है ना, तो प्लीज़ आप देखते हैं, नहीं अच्छा लगता देख के गुजर जाएं, तो कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपने करना ही है, इतनी आपको जलन हो रही है, तो फिर आप कर लें, कोई बात नहीं। तो लेकिन हसद करना बहुत बुरी बात है, तो वो नहीं करनी चाहिए इंसान को। ये आज की अच्छी बात जो मैंने आपसे शेयर करनी थी, ठीक है। एक इंसान एफर्ट डाल रहा है, कोशिश कर रहा है, या व्हाटसोएवर वो जो भी कर रहा है, तो अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा तो आप गुजर जाएं, आपको क्या ज़रूरत है कमेंट्स करने की या कुछ भी बुरा भला बोलने की। इसका तो मतलब है कि ये आपके अंदर की वो है गंदगी, जो आप दूसरों के ऊपर
फेंक रहे हैं या उछाल रहे हैं, तो इससे ज़रा परहेज़ करना चाहिए इंसान को। जी गाइस, हुरैन वापस आ चुकी है स्कूल से। हुरैन हाय कर दो। अच्छा चेंज कर रही है, चेंज कर रही है। हुरैन चेंज कर ले, मैं आपको अपना प्लाव दिखाती हूँ। मेरा प्लाव कहाँ तक पहुँचा है? मेरा प्लाव पहुँचा है जी, ये देखें। बाकी मसाला भून रही थी ना, कैमरा ऑन करने चली गई, नीचे ही ना लग गया। मैंने अब इसमें पानी डाल के तो बस राइस डालने लगे हैं। मैंने कहा आप एक दफ़ा दिखा दूँ, इसमें टमाटर, हरी मिर्चें और सब कुछ डाल दिया मैंने, सब इंग्रेडिएंट्स ना, और गरम मसाला, ज़ीरा और काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची, सब कुछ डाल दिया। अब बस पानी डालना है, और पानी नहीं डालना, यखनी डालनी है और राइस डाल देने हैं। ठीक है, इसी जो यखनी बनाई है ना वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये बड़ी हुई है यखनी, ये डालनी है। ठीक है, पानी नहीं डालना, हिलाया नहीं जा रहा एक हाथ से। सो खैर हम इसमें डालते हैं। और गोश्त बहुत टेंडर है, सॉफ्ट मैंने किया है इसको। ये देखें इतना सॉफ्ट है, ऐसे टूट जाता है। तो खैर अब मैं इसमें यखनी डाल लूँ और इसमें राइस डाल लूँ, और अब आपको इसकी फुल लुक करके फिर ही दिखाती हूँ। ठीक है, हुरैन आ चुकी है और रेडी हो गई है गरारा शरारा पहन के। यस हुरैन, लुक एट मम्मी, ये हुरैन इज़ लुकिंग सो गुड। लेकिन हुरैन ये जो कचरा गिराया किया है ना, कपड़े बिखेरे हैं, ये नहीं गुड लग रहे। ये पीछे से ना इसकी हुक बंद करने वाली है, मैं करती हूँ। चलो हाय कर दो, हाय कर दो। ये हाँ जी गाइस, गर्ल्स राइस मैंने डाल दिए हैं। ठीक है, काफ़ी डिप किए हुए थे पहले के धो के, तो इसलिए इतने ही यखनी में ही बस डाला है, पानी नहीं मैंने डाला। तो इनको ना हम हल्के आँच पे बना लेंगे। और ये देखें जी टंकी, जी माशा, ये कह रही मुझे माशा एंड बियर लगा। चलो अच्छा पीछे आना। हाँ जी, और गाइस मैंने ना सैलेड भी बना लिया, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने जल्दी जल्दी सैलेड भी रेडी कर लिया, खाना भी बना लिया। यस, मैं प्रो मैक्स हूँ, प्रो मैक्स। तो मैं आपको भी दिखाती हूँ, शहरी शूमें। वाओ इट्स यम। रानी अपना रिबन और बैंड उठाएं, चलें। रैन अब लगी है इसको हाथ लगाने। रैन अभी नहीं खाना, खाने के साथ खाना है। देखो रैन को समझ तो नहीं आ रही मम्मी की बात की। अरे सुनते नहीं हो क्या? चलो एक चेक कर। हाँ जी गाइस, राइस तो दम पे रख दिए मैंने, तो अब मैंने सोचा मैं तुम देना हाथों पे कोई लोशन वगैरह अप्लाई कर लूँ, क्योंकि काम की है तो हाथ जो है वो ड्राई हुए हैं। तो आई एम गोना यूज़ दिस वन, क्योंकि ये बहुत अच्छा है, इसकी खुशबू बड़ी प्यारी है। कोका बटर ना बॉडी लोशन लास्ट ईयर लिया था मैंने, मैं आपको दिखाती हूँ। वन मिनट, ये देखें। सो इसकी खुशबू बहुत प्यारी है, मुझे इसकी स्मेल बहुत अच्छी है, और वैसे भी अच्छा है। बार बार अगर हाथ धोने हो, काम कर रहे हो आप किचन में, तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, अंडर 1000 है, यानी कि ये 1000 के अंदर है। तो इट्स नॉट टू वेरी मच कॉस्टली। नहीं ना हुरैन ना करो, मैं इसका टेक्सचर भी आपको दिखाती हूँ। का ये टेक्सचर है स्किन से कलर का। तो ये देखें, इधर भी मैंने डाला है, मैं ये सारा लगाने वाली हूँ। ठीक है ना, इससे हैंड मेरे सॉफ्ट हो जाएंगे और शाइनी। थोड़ा सा मैंने अप्लाई किया था, ये देखें शाइन आ गई है हाथों में, लेकिन ज़रा अच्छी तरह मैंने का लगा लूँ। ये देखो ज़रा बिल्ली कैसे देख रही है। जी पाँव पे भी अच्छे तरीके से अप्लाई कर ले, क्योंकि अब आ रहा है विंटर, तो खुश्की जो है ना वो तो मस्ट है। और मेरी नेल पॉलिश देखें ज़रा उतरी हुई है, कहीं लगी हुई है। बस अब मैं दम खोलने जाने वाली हूँ। मैंने कहा पहले मॉइस्चराइज़र लगा लूँ अच्छे तरीके से, ताकि मेरे हाथ ज़रा सॉफ्ट हो जाए। देखिए शाइन आ गई है ना हाथों में। तो हाथों पे, पाँव पे काम शाम करने के बाद आप लोग भी अप्लाई कर लिया करें, ताकि आप भी सॉफ्ट रहें, स्किन भी। अपनी केयर भी ज़रूरी है ना, घर वालों की तो हम कर रहे हैं, अपनी भी करनी है साथ साथ। ठीक है, अपनी केयर भी साथ साथ करते रहा करें, ताकि आप भी फ्रेश लगें और नीट नज़र आएँ, आपकी स्किन भी हेल्दी रहे, और हाथ जो हैं वो उन पर ड्राइनेस ना हो, और पाँव पर ड्राइनेस ना हो। और आपको पता है इन सब चीज़ों का हमारे मूड के साथ कितना इफ़ेक्ट होता है। अगर हम अच्छे लग रहे हैं, हमारे हैंड सॉफ्ट हैं, पाँव सॉफ्ट हैं, तो हम खुश भी रहते हैं, और फिर हम दूसरों को भी खुश रखते हैं और पॉजिटिविटी फैलाते हैं और पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स देते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। जी आ गए हो, हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्या लगे उसकी बच्ची का छठा पारा खत्म? सारी मैं अभी दम खोला था मैंने। सारी के काम चेक करो जरा, अभी जलने लगा था, अभी तो मैं दम खोलने लगी। हाँ जी, हमारी क्लास की एक बच्ची का छठा पारा खत्म हुआ है, उसने मुझे दम। आप खाओ बेटे। नहीं नहीं, मैंने नहीं लेनी, ना फ्रेंड को दे दो। आप पैसे दे रहे हैं, आज शाम को बनी मिलेगी। अच्छा ठीक हो गया, ले लेना। चलो चेंज करो, हाथ में दो कपड़े बदलो जल्दी से। हरी अब
ओके जी हम दम खोल लेते हैं, अभी ने भूख लगने वाली है। वाओ माशाल्लाह 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 बहुत ज़बरदस्त। ये देखें बहुत प्यारे यखनी वाले राइस बन चुके हैं। तो चलिए अब हम मैं इन्हें ना खाना शाना दे दूँ, ठीक है? तो फिर उसके बाद हमारे साथ रहिएगा। पुलाव बनाया, हाँ ये बिरयानी बनाती। पुलाव पता है कितनी मेहनत से बनता है, सुबह की लगी हुई हूँ मैं हमदा। मुझे पता है आप हार्ड वर्क लगी हो। हाँ सुबह से बना रही हूँ, टच ना करना इट्स हॉट। हाँ जी गाइस शाम हो चुकी है और मैं इतना थक गई थी, फिर मैं सो के अब उठी हूँ, चाय पी है। इतना सर दुख रहा था मेरा, पता नहीं मैं बहुत थक जाती हूँ। ये नमूना भी देख लिया, स्टडी कर रही। आज स्कूल में उन्होंने टाइमिंग बनना था, वो मंडे का वेट करते होते हैं, वेडनेसडे है, उन्होंने टाइमिंग चेंज कर दी। इतनी ठंड थी आज सुबह। हाँ जी, और सारी मेरा सर खा रहा है कि हमारे कपड़े कब निकालोगी, फुल स्लीव्स वाले कपड़े कब दोगी। तो मैंने सोचा मैं आपको दे दूंगी निकाल के सारी, मैं भी सब्र करो, इतनी भी नहीं सर्दी आ गई, कोई स्नोफॉल नहीं हो रही। तो खैर अब इनका स्टडी टाइम चल रहा है, तो मैंने कहा व्लॉग का एंड कर लेना चाहिए, तो ताकि जो मेरा बचा हुआ ये हिस्सा है सर का, वो मैंने पढ़ाने में इन्वेस्ट कर लूँ। तो चले सारी साहब आज एंड करेंगे, बाय बाय। नहीं ऐसे नहीं सर, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना, और कमेंट भी अगर ना अच्छी लगी हो तो भी। हाय हाय जी गाइस, सारी माज की अच्छी बात बताने लगा है। अपने मुल्क और उसमें रहने वाले लोगों से मोहब्बत करनी चाहिए। ओह वाओ, हमें अपने मुल्क और उसमें रहने वाले लोगों से मोहब्बत करनी चाहिए। आपको पता है जिस स्कूल में हम पढ़ते हैं उसमें इतनी क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी का ऐसे मिला हुआ था मुझे आज, उसमें इसके टॉपिक ये दिया था अच्छी शायरी कैसे बन सकता है, उसके लिख कर लाने से लाने। गाइस आप ग्रामेटरी से बिल्कुल प्यार ना करें और ना इंग्लिश। अच्छा जी, बिल्कुल अच्छी नहीं, ना ग्रामेटरी अच्छी लगती है ना इंग्लिश। इतनी क्रिएटिविटी मैं नहीं, हाय हाय मैं नहीं बात करती। मुझे ना आपके पहले पिन लगा दो, लो पिन। चलें ठीक है गाइस, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर करना आपने हरगिज़ नहीं भूलना है, अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।